दोस्तों, अगर आप भी राहुल तेवतिया और शुभमन गिल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ गुजरात की टीम को मिली शानदार जीत के बाद राहुल तेवतिया ने दिया महेंद्र सिंह धोनी पर दिल जीत लेने वाला बयान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी करेंगे उन्हें सलाम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और गुजरात के बीच खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद राहुल तेवतिया का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान राहुल तेवतिया ने गुजरात की टीम को मिली शानदार जीत के बाद महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम ठोकने वाले हैं। तो आखिरकार गुजरात की जीत के बाद राहुल तेवतिया ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल तेवतिया और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और पंजाब के बीच पंजाब के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें गुजरात की टीम इस मैच को 3 विकेट से जीत गई। इस दौरान गुजरात की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए पंजाब को 142 रन पर 20 ओवर में ऑल आउट किया और इसका पीछा करने के लिए आई गुजरात की टीम ने लक्ष्य को 19.1 ओवर में अपने नाम कर लिया। इस मैच में गुजरात की टीम की तरफ से राहुल तेवतिया ने 18 गेंद पर 36 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। तो वहीं गेंदबाजी में साई किशोर ने 4 विकेट लिया। ऐसे में गुजरात की जीत के बाद राहुल तेवतिया ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अब दिल जीत लेने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें राहुल तेवतिया ने बयान देते हुए कहा है कि गुजरात और पंजाब के बीच खेले गए इस मैच में हमारे गुजरात की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी गुजरात की टीम ने इस मैच के अंदर शानदार प्रदर्शन किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। हमारी टीम की तरफ से गेंदबाजों ने तो आज शानदार गेंदबाजी की है, साथ में बल्लेबाजों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि एक समय पर पंजाब की टीम ने हमारे ऊपर दबाव कायम कर दिया, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ियों ने अपने ऊपर से दबाव को हटाने का प्रयास किया और बेहतरीन तरीके से मैच के अंदर जीत दर्ज कर ली है। अलग इस मैच में मैंने जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने का प्रयास किया है उसके लिए मैं खुद काफी ज्यादा खुश हूं। और अगर आज इस मैच के बेहतर अंदर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है तो उसके पीछे महेंद्र सिंह धोनी का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि इस तरीके का कार्य करना मैंने महेंद्र सिंह धोनी से सीखा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर जिस प्रकार से मैंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसके बाद मैं खुद काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अपनी टीम के लिए मैच को समाप्त करना किसी भी प्लेयर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस मैच में मैंने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसके चलते हमारी टीम को जीत मिली है। ऐसे में जीत के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात करने के बाद मैच के अंदर उनसे टिप्स नहीं लेता तो शायद मैच को समाप्त करने की काबिलियत उनसे नहीं सीख पाता, जिसके चलते इस मैच के अंदर गुजरात की टीम को पंजाब के खिलाफ जीत मिली है। ऐसे में आज के दिन तो जिस प्रकार से मैंने बेहतर प्रदर्शन किया उसके लिए महेंद्र सिंह धोनी असली हीरो रहे हैं और इस पारी को मैं महेंद्र सिंह धोनी को समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके बिना इस तरीके की बल्लेबाजी कर पाना मेरे लिए आईपीएल में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में गुजरात की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।